देखो जी ये जो बिल पास किए ने एक किसान विरोधी बिल ने। सो मैं दसना चाहना कि मैं ऑल इंडिया जट महासभा वालों आदमपुर हल्के का मैं प्रधान नियुक्त किया गया तो साड़ी सभा वालों जो भी किसानों के मुद्दे होंगे जो भी इन्हों संघर्ष लंबणगे वह पूरा साथ देने का फैसला किया गया है क्योंकि तुम ये गल देख सकते हो कि जेडे हम जो गल करिए ऑर्डीनेंस की इनू ऑलरेडी बिल बना के उन्होंने राष्ट्रपति को भेजता होया असी पूरी बार डर ला देंगे कि यह बिल में रोकया जाए तो कि जो मंडी करने उन्होंने खत्म ना किया जा सके क्योंकि आप देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ 6% आ जी कि MSP के उत्ते खरीद हो रही है जो कि पंजाब हरियाणा के बच्चे आ जिदे करके कि पूरा देश जोड़ा है वह अनाज खा रहा तुम ये देख सकते हो कि जे हुण आप मक्की की एग्जाम्पल ले लीए मक्की 1800-1900 हैगी है MSP पर वो किसान तो 700 से चक्की जा रही है वो बारे सरकार कुछ नहीं कह रही हुण जो नवा ऑर्डीनेंस है वो कोई भी पैन कार्ड या आधार कार्ड के नाल कोई भी कारपोरेट घराने ये खरीद सकणगे स्टॉक कर सकणगे की तुम ये दस सकते हो कि कोई भी किसान दे कोल इन्नी समर्था है कि वह 8 महीने अपनी कणक रख के बाद चो किते बाहर जाके बेचे दो खेत वाला किसान अपनी ट्राली जाके दिल्ली लिया के ला सकता है वो इन्नी समर्था है उन्होंने कौन लुट्टणगे पूंजीपति लुट्टणगे जिन्हें भी साढ़े इत्थे पूंजीपति हैगे ने जो मोदी सरकार ने रखे हुए ने वो इस जमीना दे उत्ते कब्जा करना चाहते हैं किसानों को खत्म करना चाहते हैं तो मैं दसना चाहना आज़ादी तो पहला दी साड़ी जो हैगी जाट महासभा ऑल इंडिया जाट महासभा ये किसानी लिए संघर्ष करती आई है तो असी करते रहेंगे तो हुण मैं अखीर तुहानूं एक गल कहना चाहना जो मोदी सरकार है वो किसानां ते मजदूरां दे सिर भन के उन्होंने लहू के चिकड़ जे कमल खिलाने की कोशिश करना चाहेगी असी वो बिल्कुल नहीं होने देंगे असी ये मूवमेंट नू जट महासभा ऑल इंडिया तक लैके जाएगी तो साड़ी हाईकमान पूर्ण तौर पर किसान ते जो अपने मजदूर ने इन्हां लई संघर्ष करती आई है करती रहेगी तो हुण जिथे तक भी होएगा इन्हां दे नाल साथ देगी। एक चीज़ देखी गई कि लोग सभा दे विच वड्डा हंगामा होया वड्डा हंगामा होया विरोध भी होया इन्हां बिलां दा हालांकि उत्थे देखा गया भी समर्थन ज़्यादा सीगा बिलों के विरोध च ज़्यादा समर्थन सीगा पर फिर भी धक्केशाही नाल बिल पास होए इसते तुसीं की कहोगे? देखो जी ये टोटल हिटलर राज आ चुका है मोदी का ये जो हिटलर राज है यू खत्म करना बहुत जरूरी है तुसीं देख सकते हो कि एक मनुवाद की सोच आ चुकी है हर श्रेणी दबण की कोशिश की जा रही है हुण किसानां नाल हो रहा किसान दब लैणगे उस तो बाद अगला नंबर संविधान चेंज करन दा ला देणगे सो सानू इस चीज़ों का विरोध करना चाहिए हर एक इंसान आगे करना चाहिए इहदी एग्जाम्पल छोटी जिही आ हिटलर सी हिटलर ने भाषण दिंदे ने एक मुर्गी अपने मूहरे छड्डती उहदा कल्ला कल्ला खंभ ला दिता जदों मुर्गी पूरी नंगी होगी तो उहनू जिधर नू दाने पाउण मुर्गी उधर नू जावे सो ये जो मोदी सरकार करना चाहती है सानू एक मुर्गी बना के अपने मगर ला के रखना चाहती है वो बिल्कुल नहीं होएगा असी आज़ादी लड़के लिए है पहला गोरिया तो लई है हुण जे BJP के काले अंग्रेज आए ने इन्हां नू भी असी संघर्ष करके असी सत्याग्रह करके इन्हां नू इस देश दे विच्चों इस सत्ता चों दिल्ली दे तख्त तो ला के दिखावांगे इहदे नाल मैं कहना चाहुंदा हां कि यह जमीर मर चुकी है मोदी दी क्योंकि झुका हमेशा जिनमें जान होती है वो झुक जाते हैं जो मुर्दे होते हैं वो अकड़ जाते हैं ये मर चुका है इस करके इनू तख्त तो ला के फूकना बहुत जरूरी है सो मैं पूरे हिंदुस्तान नू बेनती करदा कि किसानों के नाल खड़े होवो मजदूरों के नाल खड़े होवो तो अपने घर की रोटी तो गरीबों की रोटी नू बचाओ ये पूंजीपतियां दे हत्थ देश विकण तो बचा दिओ इन्नी बेनती है जी साडी ते जो संसद दे विच होया वो इस करके होया क्योंकि जेडे मोदी सरकार ने अज बहुमत किया होया आ वो धक्केशाही शरेआम कर रही है उन्हों का बहुमत हैगा लोग सभा दे विच हैगा आ राज्यसभा उन्होंने धक्के नाल कर रहा राष्ट्रपति जी को भेजता राष्ट्रपति भी उन्होंने राष्ट्रपति हैगा बनाया हुआ सो असी उन्हां मूहरे बेनती कर सकते हैं अरजोई कर सकते हैं कि इस चीज़ नूं किसान विरोध च ना लैके आओ जो ये हो रहा है इहदा इहनूं खमियाजा 2024 दीआं वोटां च भुगतना पएगा। किसान विरोधी बिल तो आए ही सीगे पर हुण कुछ ही दिन पहला जिहड़ा हैगा अपना किरत कानूनां दे विच भी फेरबदल किया गया हुण जिहड़ा एक लेबर क्लास हैगी है वो लेबर कोर्ट दे विच नहीं जा सकती इस ते तुसीं की कहोगे? देखो जी टोटली हो गए कारपोरेट सरकार चला रहे बड़े घराने सरकार चला रहे हैं मोदी अडानी जो भी बड़े घराने ने वो सरकार नू रन कर रहे हैं मजदूरों के हक खत्म करते किसानों के हक खत्म करते ये ईस्ट इंडिया कंपनी वांगू हिंदुस्तान के उत्ते दोबारा पूंजीकारां दी सियासत कायम करन उत्ते उन्हां दे राज कायम करन वाली गल नहीं हैगी तां होर की हैगा ये तो हुण सारिआं नू साबित हो गया ना
सानू सारे नू एक मुठ हो के मोदी नू पंजाब पुंजे का तख्त दिखाना पैना, दिल्ली के तख्त तो लाना पैना, एक मुठ होना पैना, धर्म छड़ने पैने आ, एक झंडे थले कट्ठे हो के तिरंगे थले कट्ठे हो के इनू दिखाना पैना कि किसान मजदूर जां जिहड़े छोटे वर्ग के हैगे ने दुकानदार हैगे ने इन्हां दी एकता की हुंदी है। चार पांच पूंजीपतियां दे पिछे लग के ये देश नहीं चलना। दोस्तों मैं हाँ तुहाडा अपना राय जुजार, तुसीं देख रहे हो हक सच दा सांझा मुहाज, सांझा मुद्दा। थैंक यू सो मच।